गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। नो पार्किंग में खड़ी थी मेयर की गाड़ी और उस गाड़ी का कट गया चलान। वो कहाँ पे, ये घटना कहाँ पे हुई और ये मेयर की गाड़ी थी और उसका चलान किसने काटा, वो हम पूरी न्यूज आपको आज के न्यूज में बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आए पाए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, आपका चलान कभी कटा होगा या आपके दोस्त का कभी चलान कटा होगा, या तो आप रोड पे जाते हुए किसी का चलान कटते हुए देखते होंगे कि भाई हाँ भाई इस चीज की वजह से वो फंस गया, नो पार्किंग की वजह से फंस गया, या कभी कभार आपका बाइक या आपकी गाड़ी उठा के ले गई है पुलिस और उसके बाद आपको वहां पर जाके चलान कटवाना पड़ गया। काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती है, पर कभी कभार हम लोग बड़े लोगों को नहीं देखते हैं वहां पर। पर यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है, मतलब कि मुंबई में एक मेयर की गाड़ी को चलान काट दिया गया क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। और नो पार्किंग में यहाँ पे खड़ी थी, इस कदर खड़ी थी कि जहां पर पार्किंग नो पार्किंग का बोर्ड होता है, उस मेयर ने अपनी गाड़ी को पार्क ही उस नो बोर्ड के नीचे किया। और उसके बाद एक नजदीकी पुलिस वाले ने जब देखा उस गाड़ी को, तब उसका चलान काट दिया। मुंबई में इस चीज को लेके, मतलब कि चलान कटने को लेके बहुत दिनों से हंगामा चल रहा था। वो हंगामा इसलिए चल रहा था क्योंकि एक चलान कटने पे 10,000 रुपए का जुर्माना था। वो 10,000 का जुर्माना इसलिए किया गया था कि आप लोगों को पता होगा कि मुंबई में इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का है और कहीं पे भी एक पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है। और उसी तरीके से चलते हुए सरकार ने ये चीज लॉन्च की थी कि अगर इतना ज्यादा प्राइस होगा तो लोग ऐसा नो पार्किंग में या भीड़ भड़क्के के एरिया में पार्क नहीं करेंगे या कुछ भी ऑन द वे चीज नहीं लेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी और भी ज्यादा हो जाती है और लोगों को और भी ज्यादा परेशानी होती है। तो इस डर से ये चीज नहीं करेंगे। पर वहां के लोगों ने काफी ज्यादा हंगामा किया था जो कि सरकार को इस चीज को कैंसिल करना पड़ा। पर वहीं पे उसी जगह पर ऐसे ही इसी तरीके से वहां के मेयर ने भी ऐसी गलती कर दी, मतलब कि वहां पर वो आए थे कोई चीज अटेंड करने के लिए, एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ देखा नहीं कि वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और उन्होंने अपनी गाड़ी नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे ही पार्क करके चले गए। इस मेयर का नाम विश्वनाथ है और ये घटना विले पार्ले की है जो कि मुंबई में है एक एरिया, और वहाँ पर ये घटना हुई है। वहाँ के जब पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने इस गाड़ी को वहाँ पे लगे देखा, तब उसने जाके वहाँ पे चलान कटाया, काट दिया। और उसके बाद जब मेयर वहाँ पर आए तब उनका जो भी केस था, तो अभी उनको कोर्ट में वो केस भुगतना पड़ेगा। और ये चीज़ ऐसी है कि आप भी, जैसे कि आपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बहुत छोटे छोटे लोग आपने देखे होंगे जो बाइक वाले या गाड़ी वाले, पर बड़े इंसान को कभी नहीं देखा होगा, अमीर इंसान को कभी नहीं देखा होगा। पर वहां की पुलिस ने ये कर दिखाया और ये चीज भी, ये भी बताया कि इस चीज के ऊपर कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई नहीं है, अगर कोई भी गलती करेगा तो उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा ही। सो गाइस, जैसे कि भीड़ भड़के वाले एरिया हो जाते हैं और वहां पे हम पार्किंग लगा देते हैं, तो प्लीज अगर आप ऐसा ना करें, अगर आप ढूंढ के पार्किंग लगाए जहां पे एक्चुअली में पार्किंग लगेगी, तो आपके लिए और आपके बाइक के लिए और आपके पॉकेट में पड़े हुए पैसों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि ऐसा करने से अगर आप पार्किंग कहीं पे लगाओगे तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी हो सकती है और उसकी वजह से अगर नो पार्किंग भी हो गई तो आपकी जेब में पड़े हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो अगर आपका भी कभी चलान हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारी आज की न्यूज आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।